बाघ, नाम सुनते ही शरीर में सनसनी पैदा होती है। आज भी भारत में बाघों को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनके बढ़ते हर कदम आज भी हमें रोमांचित करते हैं। मगर एक वक्त ऐसा था जब जंगल का राजा विलुप्त होने के कगार पर था, तब माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 9 अभयारण्य हुआ करते थे। आज भी जंगल का राजा अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जैसे जैसे मानव की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे बाघ रहवासी इलाकों में कमी आ रही है। जंगल का अंधाधुंध विनाश आज भी भारत में कई जगह दिख रहा है। उनकी शरीर की बढ़ती मांग के कारण उनका अवैध शिकार आज भी कई जगह हो रहा है। मगर आज भी भारत में ऐसे लोग हैं जो बाघों की इस विलुप्त कड़ी को रोक कर उनका संरक्षण कर रहे हैं, जैसे हमारे वन अधिकारी और वन्य जीव प्रेमी। इन सब के कारण आज भारत में 50 अभयारण्य है और भारत में आज बाघों की संख्या 2967। इस बाघों की संरक्षण में हम सब भारतीय एक सिपाही है। आओ सब मिलकर इनका सर्वेक्षण करें।